लगते हैं। वह दोनों जिन्न का पीछा करते हैं। छोड़ दो, कहाँ लेकर जा रहे हो हमारे माता पिता को? भैया, यह शैतान हमारे माता पिता को कहाँ लेकर जा रहा है? एक बार की कहानी है, एक बार एक चुड़ैल सुनसान जंगल में बैठकर तपस्या कर रही होती है। तभी आसमान से तेजी से आता हुआ एक आग का गोला चुड़ैल के पास आकर गिरता है और एक तेज धमाके के साथ एक मैचस्टिक प्रकट होती है। उस मैचस्टिक में से एक जिन्न बाहर आता है। आज से मैं आपका गुलाम हूँ मेरे आका, बताओ मेरे लिए क्या हुक्म है? उस जिन्न की बात सुनकर चुड़ैल हैरान हो जाती है और कहती है, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, मुझे इंसानी मांस खाना है, तुम मुझे इंसान लाकर दो। जो हुक्म मेरे आका। इतना कहकर जिन्न वहाँ से चला जाता है और एक गांव में पहुंचकर वह दो व्यक्तियों को उठा लेता है और उस चुड़ैल के पास ले आता है। यह देखकर चुड़ैल बहुत ही खुश होती है। चुड़ैल मन ही मन कहती है, अरे वाह, यह जिन तो सचमुच में मेरा गुलाम बन चुका है, यह मेरे बहुत काम आएगा, क्यों ना मैं इससे उस इच्छाधारी नागिन और नागराज को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करूं। यह सोचकर वह चुड़ैल कहती है, अब तुम जाओ और उस नागलोक की इच्छाधारी नागिन और नागराज को मेरे पास ले आओ। चुड़ैल की आज्ञा लेकर जिन्न नागलोक पहुंच जाता है। वह अपनी कुशती से नागलोक के सभी सांपों को मार देता है और इच्छाधारी नागिन और नागराज को पकड़कर चुड़ैल के पास ले आता है। हा 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 हा, शाबाश मेरे गुलाम, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। इच्छाधारी नागिन, आखिरकार तू मेरे हाथ लग ही गई। अब मैं तेरी सारी शक्तियाँ और वह तेरी नागमणि तुझसे छीन लूंगी, फिर मैं इस पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा कर लूंगी और यहाँ राज करूंगी। इतना कहकर वह चुड़ैल जिन्न को फिर से आदेश देती है, मेरे जिन जाओ, मुझे और इंसानों की जरूरत है, धरती लोक से और इंसानों को पकड़ कर लाओ। जिन्न फिर से गांव पहुंच जाता है और बंटी और चिंटू के माता पिता को उठा लेता है। वहीं बंटी और चिंटू यह सब देख लेते हैं। वह दोनों जिन्न का पीछा करते हैं। छोड़ दो, कहाँ लेकर जा रहे हो हमारे माता पिता को? भैया, यह शैतान हमारे माता पिता को कहाँ लेकर जा रहा है? बंटी और चिंटू जोर से छलांग लगाते हैं और अपने माता पिता को पकड़ लेते हैं। वह शैतान बंटी और चिंटू के माता पिता को उस चुड़ैल के पास ले आता है। बंटी और चिंटू छुपकर यह सब देख रहे होते हैं कि उस दुष्ट चुड़ैल ने कई गांव वालों को पकड़ रखा है और इच्छाधारी नागिन और नागराज को भी उसने बंदी बना रखा है। रात होते ही बंटी और चिंटू इच्छाधारी नागिन और नागराज के पास जाते हैं। नागराज, हमारी मदद कीजिए, एक शैतान राक्षस ने हमारे माता पिता को यहाँ कैद कर लिया है, आप कृपया करके हमारे माता पिता को बचा लीजिए। नहीं बंटी, मैं इस समय चुड़ैल की शक्तियों में बंधा हुआ हूँ, मैं इस समय तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर तुम किसी तरह चुड़ैल के उस गुलाम जिन्न को उस मैचस्टिक में कैद कर सको तो मैं अवश्य तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। नागराज की बात सुनकर बंटी कहता है, चिंटू भैया, हमें जल्दी कुछ करना होगा। तभी उन दोनों को एक आइडिया आता है। वे दोनों पेड़ के नीचे सोए हुए उस शैतान जिन्न के पास जाते हैं। उठो जिन महाराज, अरे ओ जिन महाराज, उठो। बंटी और चिंटू की आवाज सुनकर उस शैतान जिन्न की आँख खुल जाती है। कौन है जिसने मुझे नींद से जगाया? मूर्ख बच्चों, कौन हो तुम और तुमने मुझे नींद से क्यों जगाया? भाग जाओ यहाँ से, वरना मेरे हाथों मारे जाओगे। हे जिन महाराज, हम दोनों यहाँ आपकी सेवा करने आए हैं। जिन महाराज, आप तो इतने विशाल और शक्तिशाली हो, तो आप यहाँ ऐसे इस पेड़ के नीचे क्यों सोए हुए हो? जिन कहता है, क्योंकि मैं इस समय चुड़ैल का गुलाम हूँ। पिछले कई सालों से मैं वह सामने पड़ी उस मैस्टिक में सोया हुआ था, फिर चुड़ैल ने मुझे आजाद किया। परंतु जिन महाराज, आप तो बहुत ही बड़े हैं, आप उस छोटी सी माचिस में कैसे आ सकते हैं? मूर्ख बच्चों, मैं एक जादुई जिन्न हूँ, मैं अपनी जादुई शक्तियों से इतना आकार बदल सकता हूँ। रुको, मैं अभी तुम्हें उस मैस्टिक के अंदर जाकर दिखाता हूँ, परंतु तुम दोनों मेरे अंदर जाते ही यह घंटी बजा देना, मैं तुरंत मैस्टिक से बाहर आ जाऊँगा। बस इतना कहते ही वह जिन मैस्टिक के अंदर चला जाता है और उस मैस्टिक में कैद हो जाता है। घंटी बजाओ, मुझे यहाँ से आजाद करो, अरे कोई तो घंटी बजाओ। जिन्न के कैद होते ही इच्छाधारी नागिन और नागराज अपनी शक्ति से अपने आप को आजाद कर लेते हैं।
वहीं उसी समय उस दुष्ट चुड़ैल की आंख खुल जाती है। वह इच्छाधारी नागिन और नागराज पर हमला करती है, परंतु तभी नागराज अपनी शक्ति से उस चुड़ैल को वहीं भस्म कर देते हैं और सभी गांव वालों को आजाद करा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ वह मुर्गी चुड़ैल नागराज की सारी शक्तियां छीन लेती है। बंटी उसी समय भागा भागा इच्छाधारी नागिन के पास जाता है। एक बार की बात है, एक मुर्गी चुड़ैल अचानक से गांव में घुस आती है और कहती है, कहाँ है वह नागराज, जल्दी से उसे मेरे सामने लाओ। उसकी वजह से मैं पिछले 100 सालों से एक गुफा में कैद थी, परंतु आज मैं उसका खून पीकर ही रहूंगी। बोल दो जाकर उस नागराज को कि मुर्गी चुड़ैल आई है। ऐसा कहकर वह गांव पर हमला कर देती है और गांव वालों को जिंदा ही जलाने लग जाती है। उसके आतंक से गांव में चारों तरफ हाहाकार मच जाती है, सभी इधर उधर भागने लग जाते हैं। अरे भाई भागो, अपनी जान बचाकर भागो, यह मुर्गी चुड़ैल तो लोगों को जिंदा ही जला रही है। जल्दी से अपने अपने घरों में जाकर छुप जाओ, वरना यह मुर्गी चुड़ैल तो हम सबको जलाकर राख कर देगी। तभी नागराज को गांव में मचे हाहाकार की खबर मिलती है। नागराज कहते हैं, अरे यह गांव में कैसी हलचल मची है, यह सब लोग इधर उधर क्यों भाग रहे हैं, लगता है फिर से कोई नई मुसीबत आई है, अभी देखता हूँ। इतना कहकर नागराज मुर्गी चुड़ैल के सामने आ जाते हैं। चुड़ैल कही की तू फिर से आ गई, तुझे तो मैंने उस गुफा में बंद कर दिया था, लगता है तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। मुर्गी चुड़ैल कहती है, नागराज तब की बात और थी, अभी तुझे मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है। अब हम सारी सतानी चुड़ैलें एक हो चुकी है, अब हमारा सामना करना तेरे पर। ऐसा कहकर मुर्गी चुड़ैल नागराज पर अपनी जहरीली गैस बरसाती है और नागराज को एक मुर्गी बना देती है और नागराज को अपनी गुफा में ले जाती है। अपनी गुफा में पहुंचकर मुर्गी चुड़ैल नागराज से कहती है, नागराज बहुत घमंड है ना तुझे अपनी शक्तियों पर, आज मैं तेरी सारी शक्तियाँ तुझसे छीन लूंगी। वहीं दूसरी तरफ बचे कुचे गांव वाले जाकर इच्छाधारी नागिन को यह बात बताते हैं। इच्छाधारी नागिन, गजब हो गया, एक मुर्गी चुड़ैल ने अचानक से हमारे गांव पर हमला किया, उसने कई लोगों को जिंदा ही जला दिया और उसने हमारे नागराज को भी पकड़ लिया है और उन्हें अपने साथ लेकर गई है। फिर क्या था, इच्छाधारी नागिन उसी समय नागराज को बचाने के लिए निकल पड़ती है। वहीं नागिन को जाते हुए साधु बाबा देख लेते हैं। तभी गांव का लड़का बंटी साधु बाबा के पास आता है और कहता है, साधु बाबा क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। साधु बाबा बंटी को बताते हैं, बंटी बेटा मुझे इच्छाधारी नागिन को उस मुर्गी चुड़ैल के बारे में एक जरूरी बात बतानी थी। बंटी कहता है, साधु बाबा मुझे बताइए क्या बात है। बंटी बेटा उस मुर्गी चुड़ैल को इस प्रकार नहीं मारा जा सकता, दरअसल उस मुर्गी चुड़ैल की शक्तियाँ उसके एक भूतिया अंडे में है। मुर्गी चुड़ैल को खत्म करने के लिए किसी न किसी तरह उसका वह भूतिया अंडा नष्ट करना होगा। बंटी अब तुम जल्दी से जाओ और इच्छाधारी नागिन को यह बात बताओ, इससे पहले कि वह चुड़ैल इच्छाधारी नागिन को भी अपने वश में कर ले। साधु बाबा की आज्ञा लेकर बंटी उसी समय भागा भागा इच्छाधारी नागिन के पास जाता है। वहीं दूसरी तरफ वह मुर्गी चुड़ैल नागराज की सारी शक्तियाँ छीन लेती है। तभी इच्छाधारी नागिन वहाँ पहुँच जाती है, क्योंकि इच्छाधारी नागिन को मुर्गी चुड़ैल की शक्तियों का अंदाजा नहीं होता है, तो वह भी उसके जाल में फंस जाती है। वह नागिन को भी एक मुर्गी बना देती है। अब तुम दोनों की शक्तियाँ मुझे मिल चुकी हैं, अब मेरा सामना कोई नहीं कर सकता। मुर्गी चुड़ैल की ये सारी बातें बंटी सुन रहा होता है। इस मुर्गी चुड़ैल ने तो नागिन और नागराज दोनों को मुर्गी बना दिया, अब मुझे ही कुछ करना होगा। तभी इतने में बंटी को पास में पड़ा हुआ एक पत्थर दिख जाता है। बिना टाइम गवाए बंटी उस पत्थर को उठाकर सीधा मुर्गी चुड़ैल के उस भूतिया अंडे पर फेंक कर मारता है। पत्थर लगते ही भूतिया अंडा नष्ट हो जाता है। अंडा नष्ट होते ही मुर्गी चुड़ैल वहीं मर जाती है और इच्छाधारी नागिन और नागराज भी अपने असली रूप में आ जाते हैं।